जय श्री राम। आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद में मेयर पद पर, पार्षदों के पद पर पूरे बोर्ड पूरे बहुमत के साथ आ रहा है और निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी का जादू गाजियाबाद में चला है और पूरी तरीके से मतदाताओं ने, गाजियाबाद के मतदाताओं ने मोदी जी पर, योगी जी पर पूरा भरोसा जताया है। हमें मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन मिला है, उसके लिए हम सभी मतदाताओं का दिल से आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं कि उन सब लोगों ने हमारी सरकार पर, ट्रिपल इंजन की सरकार पर भरोसा जिताया। मुझे पूर्ण बहुमत गाजियाबाद नगर निगम के बोर्ड में मिलने जा रहा है और हमारी महापौर भी 2 लाख से ऊपर वोटों से, पूरा विश्वास है कि जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था सभी समर्थकों ने, वोटरों ने, कार्यकर्ताओं ने जो व्यक्त की है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम श्रीमती कविता। कविता जी, किस तरह से जीत दर्ज हुई है और तमाम लोगों का समर्थन मिला भाजपा को, क्या कुछ कहेंगे? हमें जनता का बहुत प्यार और योगी जी और मोदी जी को बहुत प्यार से जिताया गया है, बहुत जीत मिली है और मुसलमानों से भी हमें बहुत प्यार मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सबका प्यार मिला है और जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम धीरज शर्मा है। इसे मैं सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा बड़े रूप में बताऊं तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सब पर भारी हैं, ये तय हो चुका है। और जो नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारता है वो देश को आज भी वही पसंद है जो 2014 में थी। उनके नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और मुसलमान भाई भी, जो हमारे देश को जो दूसरी पार्टियां बांटने का काम करती थी, आज मुसलमान भाई भी हमारे साथ आ रहा है, वो भी अपना मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास कर रहा है। राजीव शर्मा, वार्ड 59 पुराने शहर से, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, विजयी हुआ हूँ। क्या कुछ कहेंगे आप, जीते भी हैं, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं पूरे प्रदेश से निकाय चुनाव को लेकर और भी तमाम तरह के नतीजे आए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी सबसे ऊपर हो गए, अब मोदी जी के आगे कुछ नहीं और योगी जी पूरे प्रदेश में सबसे भारी साबित हुए हैं। हर आदमी को साथ लेके, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल, विकास आगे बढ़ाते हुए, व्यापारियों के हित में काम करते हुए, उत्तर प्रदेश में योगी जी से आगे कुछ नहीं, स्थिति ये हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? अंकुश अरोड़ा नाम है मेरा। अंकुश जी, जिस तरह से जीती है भाजपा पूरे प्रदेश में, जिस तरह से जीत की लहर आई है, सामने क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो 2014 से लेकर और 2023 शुरू होने को है, योगी और मोदी का जलवा बरकरार है। जनता ने मान लिया है कि विकास की राह पर केवल उत्तर प्रदेश को कोई ले जा सकता है तो उसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और देश को कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज निकाय चुनावों ने साबित कर दिया है कि हमें, भारतीय जनता पार्टी को, केवल एक समुदाय नहीं, विशेष समुदाय की भी अधिकतर मत प्राप्त हुई है और नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने परचम लहराया है। 100 वार्डों में जहां विपक्ष माहौल बना रहा था कि 20 वार्ड भी नहीं भाजपा जीत पाएगी, 60 से 70 वार्ड भाजपा जीतकर आज चुनावी मैदान में है। हम 2024 की तैयारी आज से कर रहे हैं, हमने 2024 भी विजय प्राप्त कर ली है, 2023 से हमने उद्घोष कर दिया है कि 2024 भी हमारा है। योगी मोदी जिंदाबाद। मेरा नाम तरुण शर्मा है, मैं भाजपा का पश्चिम उत्तर प्रदेश का सुशासन प्रमुख हूँ। तरुण जी, जिस तरह से भाजपा के जो नतीजे आज देखने को मिले पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहना है, जनता ने कितना भरोसा दिया? देखिए, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ये योजनाएँ चली हैं, इससे सभी वर्गों को फायदा मिला है। मैं ये नहीं कहता कि इसी जाति विशेष को फायदा मिला है, सभी को मिला है। इसीलिए हमें अब क्या, आप देखना, आप जो जीत का मतलब अंतर से महसूस कर रहे होगे कि हमें मुस्लिम वोटों को भी हमें कितना भारी बहुमत समर्थन मिला, क्योंकि ये योजनाएं जो हैं किसी को देख के नहीं बनाई जाती हैं, वो सभी को देख कर सभी के लिए बनाई जाती हैं, सबको बराबर फायदा मिले। प्रदेश में योगी जी का वो है, योगी जी का माया है, पूरे देश में जो है मोदी जी, जो है मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में सभी को योजनाओं का फायदा हो रहा है, चाहे उज्ज्वला हो, सुकन्या हो, आयुष्मान हो, सभी कोई सी भी योजनाएं आप देख लीजिए।